गोंदिया के साइकिलिंग संडे ग्रुप द्वारा एक अभिनव पहल शुरू की गई है। पानी के अभाव में पक्षियों की मौत को रोकने के उद्देश्य से साइकिलिंग संडे ने शहर में विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए सैकड़ों जल निकाय स्थापित किए हैं। इससे जल निकाय पक्षियों को समर्थन प्रदान करेंगे और इस पहल की वर्तमान में सभी सराहना कर रहे हैं। गोंदिया जिले में तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इसी तरह गर्मियों में नदी नालों और छोटे तालाबों में पानी नीचे चला जाता है। ऐसे समय में नागरिकों को पानी प्राप्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जिले में मई माह की शुरुआत में ही पानी जमने लगा है। ऐसे में गोंदिया में साइकिल संडे ग्रुप की ओर से पक्षियों के लिए एक अभिनव गतिविधि शुरू की गई है। शहर के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए 300 से अधिक मिट्टी के जलाशय तैयार कर लगाए गए हैं। इस जल निकाय से पक्षियों को काफी सहारा मिल रहा है, साथ ही इस पहल की फिलहाल हर तरफ सराहना हो रही है। हमारे संडे साइकिलिंग ग्रुप द्वारा लगभग ये पहल 3 साल पहले से चालू की गई है, क्योंकि गोंदिया में टेम्परेचर हाई होता है लगभग 45 डिग्री के ऊपर, जिसमें कि इंसान को भी हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी की जरूरत पड़ती है। तो वो तो पंछी रहते जो तो पानी कहीं से ले नहीं सकते। तो हमने एक छोटी सी पहल की है कि जितने भी गोंदिया में सरकारी विभाग है, या तो फिर गार्डन है, या तो फिर जहाँ जहाँ भी पंछी आके बैठते हैं, हमारा ग्रुप लगभग पिछले 3 सालों से वहाँ जाके मिट्टी के पॉट लगा रहा है और कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके पानी भी डाल सके। और एक अपील लोगों से भी रहती है हमारी कि अगर उनको पॉट दिख जाए, अगर सुना पॉट है, तो उसमें सुबह शाम कभी भी जैसा भी समय मिले तो पानी डालें, ताकि प्यारे पंछी जो है, जो गोंदिया की एक पहचान है, वो उनकी कहीं ना कहीं पानी से मौत ना हो सके या उनको इंजरीज ना हो सके और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। एक हमारी छोटी सी पहल रहेंगी कि नहीं भी आगे भी ये उपक्रम हमारा चलते या साइकिलिंग संडे मध्ये आम्ही ह्या पक्ष्यांसाठी पाण्याचं म्हणजे त्यांना पाणी मिळावं आणि त्यांचा मृत्यू नको नाही व्हायला पाहिजे म्हणून त्यांनी पक्ष्यांसाठी पॉट लावले आहेत जागोजागी। आणि हा आमचा ग्रुप एक मस्त हा कार्य करत आहे आणि हे पॉट गार्डनला, रेस्ट हाऊसला, जे शासकीय आहेत आणि जिथे झाडं आहेत, जिथे पक्षी येऊ शकतात, तिथं आम्ही हे पाण्याचे पॉट लावले आहेत। आणि जे जशी पण आपण आम्हाला वेळ भेटते सायकलिंग संडेच्या दिवशी, तर आम्ही ते पॉटमध्ये येऊन आणि पाणी टाकतो पक्ष्यांसाठी। आणि हे मोहीम आता मी आज सध्या जुडली आहे, पण हे मोहीम खूप दिवसाची, खूप वर्षाची सुरू आहे, 3 वर्ष झालेत तक्रीबन। सायकलिंग संडे ग्रुपद्वारा आम्ही पक्ष्यांसाठी वॉटरचे हे पॉट्स लावलेले आहेत, कारण गोंदियाचं जे टेम्परेचर आहे ते 45 वरच जाते, त्याच्यामुळे पाण्याची कमतरता होते। आणि माणूस तर कसंही पाण्याचा शोध करून घेतो, पण पक्ष्यांना शोधता येत नाही, त्याच्यासाठी आम्ही हे पॉट्स लावलेले आहेत। आणि गोंदियामध्ये प्रत्येक ठिकठिकाणी आम्ही हे पॉट्स लावलेले आहेत, जसं गार्डन झालं आहे, रेस्ट हाऊस झालेलं आहे, शासकीय वसाहत झालेली आहे, आम्ही ते लावलेले आहेत। आणि हे कार्य, ही मोहीम आमची 3 वर्षापासून सुरू आहे, खूप चांगलं कार्य आहे। योजना के अभाव में जिले में जलाशय समतल होने लगे हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में जलाशय का प्राकृतिक जल संग्रह कम हो गया है। इसलिए पीने के पानी के लिए इंसानों के साथ साथ पक्षियों को भी भटकना पड़ता है। गर्मियों के शुरू होते ही जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पान पोई शुरू कर दी है, लेकिन इसके कारण लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन पक्षियों को पानी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पानी के अभाव में पक्षी ना मरे, इसके लिए साइकिल संडे ग्रुप ने जल कुंभी लगाने की गतिविधि रुकी है। देखा जा रहा है कि इस पहल को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।